वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि 96.75 पे यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक फ्राइडे के दिन में। यानी कि हम लेटेस्ट अपडेट भी देखेंगे, लेटेस्ट न्यूज भी चेक करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में यहाँ पे हम इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे पहले, फिर बेसिक ऑफ प्रोसीजर भी देखेंगे। तो बेसिक में इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हो कि करंट जो प्राइस है वो लेस है यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे अच्छी बात है। और आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं देता है, पर डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो डिविडेंड भी अच्छा ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका भी है। नो रेड फ्लैग्स आने के स्टॉक यहाँ पे एस एम जी एस एम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोट होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेज नहीं है। तो प्रो चीजें भी देखी जाए तो प्रो में भी यहाँ पे अपडेट से डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। और यहाँ पे क्वालिटी चेक्स में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, ग्रोथ स्कोर की भी बात की जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। तो मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप देख सकते हो 39,000 करोड़ के ऊपर है और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का स्टॉक है। तो की मैट्रिक्स में पी रेशियो अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए 9.63 का है। टोटल जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर 37,000 करोड़ के ऊपर कर्जा है। डिविडेंड रिटर्न जो है वो भी यहाँ पे आप देख रहे 2.89% का है। नेट इनकम जो है 4,000 करोड़ के ऊपर है। टोटल जो रेवेन्यू है वो 70,000 करोड़ के ऊपर है और टोटल जो एसेट्स है 119,000 करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ पे एनालिस्ट और फॉरकास्ट रेटिंग की भी बात की जाए तो यहाँ पे एनालिस्ट जितने भी एनालिस्ट ने राय ली दी गई थी उनमें से 71% एनालिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए। और फॉरकास्ट रिपोर्ट भी देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते प्राइस फॉरकास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते प्राइस फॉरकास्ट में बढ़ोतरी मिलने के चांसेस है, तकरीबन 42.91% अप होने के चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते प्राइस अपसाइड, तो यहाँ पे अर्निंग भी यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है आने वाले साल में और रेवेन्यू भी बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेड देखा जाए तो पिछले 2 सालों से यहाँ पे रेवेन्यू जो है ब्लू कलर की जो बिल्डिंग जैसे दिखाई दे रहा है वो रेवेन्यू है और यहाँ पे ग्रीन कलर में है जो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते पिछले 2 सालों से रेवेन्यू और प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट तो डबल हो चुका है और रेवेन्यू भी यहाँ पे आप देख सकते अच्छा बढ़ चुका है। लेटेस्ट न्यूज कोई नहीं यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।